पन्नीवाला मोटा इंजीनियरिंग कॉलेज देवीलाल के नाम से जो कॉलेज बना हुआ है, यहाँ पर बच्चों को बड़ी परेशानी आ रही है। उनकी ट्रेड बंद कर दी गई है, उन बच्चों को दूसरे कॉलेजों में भेजा जा रहा है, इसलिए इन बच्चों में मायूसी का माहौल है। अब इन बच्चों से बात करते हैं, कैसा क्या कहते हैं। हम सभी पन्नीवाला मोटा के इस कॉलेज के छात्र हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा कॉलेज बंद ना हो। जैसा कि सभी को पता है कि इस कॉलेज की कुछ ब्रांचेज यहाँ से ट्रांसफ़र की जा रही है यूनिवर्सिटी में, GGU में। जैसे कि फर्स्ट ईयर की 3 ब्रांचें यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी गई है। नीलोखेड़ी जो हमारा जो नया कॉलेज खुला है उसमें हमारे इस कॉलेज के स्टूडेंट्स का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे कॉलेज की कुछ ब्रांचेज हैं जो यहाँ बंद हो रही है। अगर फर्स्ट ईयर के जो बच्चे भेज दिए जाएंगे तो नए स्टूडेंट्स जो आए हैं वो बैच खत्म हो गया है। इसके आगे क्या होगा भी वो हमें पता नहीं है। और दूसरा ये है कि FT ब्रांच जो है इस कॉलेज में, फूड टेक्नोलॉजी, एक अकेली जो ब्रांच थी, यूनिक ब्रांच, जो यहाँ से पूरी खत्म कर दी गई है। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक वो पूरी ब्रांच खत्म कर दी गई है, उसे इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस हिसाब से हमें तो ये लग रहा है कि हमारा कॉलेज कल को बंद ही हो जाएगा। हम चाहते हैं कि कल अगर हम पास आउट होकर इस कॉलेज में आए तो हम एलुमिनी की तरह आए इस कॉलेज में। हम अब किसी को बताएंगे तो हम इस कॉलेज से पास आउट ये बताएंगे। हम ये नहीं चाहते कि कल को ये कॉलेज बंद हो और हम किसी को बताएं तो भाई CDLSIT जो नाम था वो ख़त्म ही हो चुका है। जिस हिसाब से ये आजकल राजनीति चल रही है इस कॉलेज में या फिर बाहर जो हो रहा है, उस वजह से हम चाहते हैं भी इसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो। हमारे इस कॉलेज की जो ब्रांचेज हैं वो पहले की तरह बरकरार रहें, सारे इस कॉलेज में जो पहले से क्लासेस लग रहे हैं। हम फूड टेक्नोलॉजी के 4 छात्र हैं फाइनल ईयर के, और हमें लास्ट ईयर में अभी कॉलेज से, मतलब हमारा कॉलेज बदल ही दिया इन्होंने। ये हमारा टाइम था, हमें गेट वगैरह के फॉर्म भरने थे, हमें कंपटीशन की तैयारी करनी थी, और हमें यहाँ पे भटकने के लिए छोड़ दिया। अब हमें अपना बैग वगैरह उठा के वहाँ जाना पड़ेगा। अब हम कब तैयारी करेंगे, कब हम अपने सेशनस वगैरह की तैयारी करेंगे। परसों इन्होंने नोटिस निकाला सुबह सुबह, और इसमें सर ये जो टेक्निकल बोर्ड है ऐसे फैसले ले रहा है, हमें भी नहीं बता रहा, ना कोई नोटिस निकाला कि इस डेट के बाद जाना। अचानक से ही कुछ भी कर देते हैं। अब अचानक से हम अपना बैग, मैंने हॉस्टल भी ले रखा है, परीक्षा के जी हाँ दो हफ्तों में अब सेशनल शुरू हो जाएंगे, उसके बाद यही हो जाएगा, फाइनल आ जाएंगे हमारे। साल सर हम इसी कॉलेज में, अब लास्ट ईयर में जाके अब हमको बोल रहे हैं कि अब वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, 3 साल से अब एक लास्ट ईयर बोलेंगे एकदम से, तो हम कहाँ जी के जाएंगे सर एकदम से, कैसे शिफ्ट करेंगे हम वहाँ पे जाके। अब लास्ट टाइम में हमारी ट्रेनिंग होती है सर 2 महीने के लिए, हम यूनिवर्सिटी में वो कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात थोड़ी सर। टेक्निकल बोर्ड की एकदम से नोटिस निकाल दिया है सर, साबित की है ना, हमारी मर्जी पूछी ना, ढंग से कोई नोटिस निकाला ना, कोई इन्फॉर्मेशन दी पहले। जब हमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो इसी में पढ़ने के लिए तो एडमिशन लिया होगा। अब गवर्नमेंट अगर ऐसे मतलब ऐसे कहते जल्दी में डिसीजन ले ले, अब ना बच्चों की कंसेंट पूछेगी, ना ये पूछेगी कि तुम्हें जाना है नहीं जाना, तो ऐसे थोड़ी होता है। अब हमारा फाइनल ईयर है, अब हम कैसे जाएंगे उधर, कैसे अपना ट्रांसफ़र करेंगे। ये चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2003 के अंदर हुई थी। तत्कालीन इनेलो सरकार के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस कॉलेज को यहाँ इस क्षेत्र के इलाके के हब सेंटर बनाया था। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई थी। अब यह कॉलेज जो है सरकार की उदासीनता के चलते इसे बंद किए जाने के कगार पे है। यहाँ पे 3-4 ट्रेड ऐसी हैं जिनको यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, और यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो बड़ी परेशानी सदमे में हैं। एंड एक एग्जाम के वक्त पे इनको यहाँ से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाना अन्यायोचित बता रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको इन्होंने मिल करके अपनी समस्याएं रखी हैं, लेकिन अब इन समस्याओं की ओर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। आने वाला वक्त बताता है कि इस कॉलेज के अंदर मुट्ठी भर बच्चे रह जाएंगे, जिनके लिए यहाँ पे ना तो इतनी कॉलेज में बच्चे टीचर मिल पाएंगे और ना इन पे यहाँ पे कोई सुविधा मिल पाएगी। और यहाँ के स्टाफ से पता चला है अभी 33 करोड़ रुपए की राशि जो है सरकार ने वापस ले ली है, और यहाँ पिछले 7 महीनों से यहाँ किसी भी स्टाफ को पे नहीं मिल रही है। अब बच्चों की समस्याओं के साथ साथ प्राध्यापकों की भी समस्याएं बरकरार है। आने वाला समय बताएगा इस कॉलेज के प्रति क्या फैसला सरकार लेने वाली है। इस बारे में यहाँ के डायरेक्टर जो है वजीर चंद, उनसे बात की गई, उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार किया। अब यहाँ जो HOD है वो भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी अगर हम कुछ बोलेंगे तो सरकार हमारी यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगी। अब सरकार का ऐसा रवैया है तो इस माहौल में अध्यापक बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे और अपना कैसे यहाँ पे ड्यूटी दे पाएंगे।
अब आने वाले वक्त को इंतजार है अध्यापकों को भी। जहाँ पर सरकार शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रही है, वहीं पर दूसरी तरफ छात्रों को ऐसे परेशान किया जा रहा है और उनको इधर से उधर भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी मेंटेलिटी पर भी फर्क पड़ रहा है। और तो और यहाँ पर जब केस डाला गया हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स ने, तो उसकी डेट को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है और इससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट की जो पढ़ाई है उसको भी नुकसान हो रहा है और इसके और स्टूडेंट ना इधर का रह रहा है ना उधर का, तो करे तो करे क्या, अब हम कहाँ से इंजीनियर बनेंगे अगर ऐसे स्टूडेंट को इधर से उधर भगाया जाए। यहाँ से आने का पास का खर्चा है 2000 रुपये, लेकिन वहाँ हम रहेंगे पीजी में रहेंगे तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा होएगा, हमारे घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से इतने पैसे भर देंगे। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं, हमने यहीं एडमिशन लिया तो यहीं पढ़ेंगे, ये हमारी सबकी एक एकता है। बस चौधरी देवीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में जो 2 साल हो चुके हैं मेरे को यहाँ पढ़ते हुए, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ 1.5 साल मेरा और रह रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है इस कॉलेज को बंद करना और हमें शिफ्ट करना चाहती है। 3 साल हो चुके हैं, मैं 1 साल के लिए क्यों इधर से उधर जाऊँ, 2 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं क्या करूँ, मैं शिफ्ट करूँ इधर से उधर, और मैं अपनी फ़ीस वगैरह भी मेरी मैंने यहाँ की अकॉर्डिंग फ़ीस के हिसाब से मैंने एडमिशन लिया था, ना कि मैं कहीं और जाके वहाँ के अकॉर्डिंग रहूँ और करूँ। मेरे पास सिर्फ 2 महीने मैं अपने पढ़ाई की तैयारी करूँ, मैं ये सब करूँ, मैं यहाँ से शिफ्ट हूँ जीजेयू में और वहाँ रहूँ, वहाँ मुझे रहने की, वहाँ मुझे तमाम तरीके की परेशानी आ सकती है, मुझे रहने की खाने की और हर तरीके की परेशानी है। वहाँ का सारे बच्चे मिलके यही चाहते हैं कि ये कॉलेज बंद ना हो, यही अपनी पढ़ाई, हम यही रहना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई यही पूरी करना चाहते हैं। 1.5 साल रह रहा है, हम क्यों जाएंगे, हम यहाँ से दूसरी जगह जाए, अगर यही करना होता तो हम पहले कर चुके होते हैं, इस कॉलेज में क्यों एडमिशन लेते जब अदर जगह जाना होता हमें।